खान साहब का भी कोई कसूर है, अभी वो टिकता कहीं एक ही जगह टिकता तो उसकी इज्जत थी। नहीं, आपको लग रहा है कि वो भी टिके हुए नहीं है पीपल्स कॉन्फ्रेंस में? है, हमारे साथ ही है। अच्छा, हमारे साथ ही, लेकिन यार खुलकर निकला, बहादुर की तरह निकला। असेंबली इलेक्शंस होते हैं और जो नहीं होंगे सेम केस, क्योंकि जिस तरह से लग रहा है कि पार्लियामेंट के बाद तो करनी मजबूरी है, या तो बिल्कुल ही खत्म करनी है या तो करनी मजबूरी है, तो ऐसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हमें कोई मजबूरी नहीं है किससे मिलने की। ओके, हमें नहीं लगता है कि हमें कोई मजबूरी है। मजबूरी तब होती है जब इंसान को ये लगता है कि मैं अकेले तन तनहा नहीं जीत सकता, कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, विल फाइट ऑन आवर ओन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नाम पर लड़ेंगे। घर में कुछ भी नहीं करूंगा, घर में ही होता है। मैं हूं इरफान लोन, कुफारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। अभी पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए अभी 4-5 महीने तो बचे हुए हैं, लेकिन कुफवाड़ा है और सियासी तौर पे यहाँ पे अब माहौल गर्म हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला यहाँ पे 2 रोज के दौरे पे थे, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस की टक्कर ना हो जब भी कोई सियासी बयानबाजी हो तो हो ही नहीं सकता है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस सब में कि जब अभी पार्लियामेंट इलेक्शंस आने वाले हैं किस तरह का काम कर रही है और क्या कुछ हो सकता है, और साथ में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इल्जाम हैं उनका जवाब क्या होगा। हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद है फॉर्मर एमएलए कुफवाड़ा और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एडवोकेट बशीर अहमद डार साहब। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आपका। मैं यहीं से शुरू करूंगा। आपने उमर अब्दुल्ला की स्पीच तो सुनी होगी और जो बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स थे उनकी भी सुनी होगी। वो अपने रिपोर्ट कार्ड तक दे रहे थे कि कुफवाड़ा के लिए जो कुछ भी किया वो उन्होंने किया, एवं चौधरी मोहम्मद रमजान जो हंडवाड़ा से लड़ रहे हैं उन्होंने तो ये भी कहा कि जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, नाम तो नहीं लिया लेकिन आप ही की तरफ इशारा था कि उन्होंने तो अपने 2.5 साल में 0% काम भी नहीं किया, सिर्फ वो पीआर कर रहे हैं। ये तकरीब मैंने भी सुनी जी। मैं एक्चुअली सियासी आदमी हूं तो मुझे सुनना पड़ता है हर किसी का कौन क्या बोलता है। चौधरी साहब का भी सुना, उमर साहब का भी सुना, तो पता नहीं इलेक्शन में ये होता है, सियासतदानों की आदत बन गई है झूठ बोलना, और इलेक्शन में ये ज्यादा झूठ बोलते हैं। उनको पता लगता है कि जब हम झूठ बोलेंगे तो झूठ का वो फायदा उठाना चाहते हैं, उनको पता बाद में कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, इसीलिए उनकी तो पुरानी आदत है झूठ बोलने की, झूठ पर उन्होंने आज तक वोट भी लिए हैं। लेकिन आज जनरेशन गैप है, बदल गया है सारा सिस्टम। मैंने देखा कुछ जैसे लाशें थी वो उन्होंने गाड़ियों में लाया था, हायामा से, बटपोरा से, चौकीबल से, लाशों की सूरत में कुछ लोग उन्होंने लाए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ वर्कर जो यहाँ जलसे में थे, मैंने खुद भी देखा, मैं यही था कुपवाड़ा में। ये वो लोग थे जो झूठ पर यकीन रखते थे। आज तो जनरेशन गैप है, बदल गया है, आज लोग हर किसी का मुहासबा करते हैं, देखते हैं ये सच बोलता है कि झूठ बोलता है। लेकिन वो तो कह रहे थे कि सिर्फ उन्होंने चौधरी साहब ने जो कहा कि 2.5 साल, तो यार हमारे 2.5 साल और लून साहब के, पहले तो लून साहब के साथ कंपेयर कोई कर ही नहीं सकता है, चौधरी साहब की बात ही नहीं, अगर देखेंगे तो वो भी आप लोन साहब का, उसके साथ तो मुकाबला हमारा है, सजाद साहब का है, कि उसने जो अच्छा किया उससे ज्यादा अच्छा हम करना चाहते हैं। चौधरी साहब के डेवलपमेंट के हिसाब से हमें कोई मुकाबला नहीं, वो उसने एक एनवायरमेंट हाल बनाया हंडवाड़ा में, उतना तो आज स्वच्छ भारत बना रहा है बिल्डिंग, जमाना गया, वो नहीं देखता है, वो अस्पताल जो 8 मंजिला अस्पताल है उसकी तरफ नहीं देखता है, मेरे ख्याल में शर्माता होगा। मेडिकल कॉलेज साइड में है वो नहीं देखता है, मेरे ख्याल में वो कहता है मैंने ही लाया, सब उसी ने लाया। उन्हें स्पीच में पिछली बार कहा कि हम सब जेल में थे जब ये, मैंने ये नहीं सुना, उसने किसी के पास बोला था ये ताजमहल भी उसी ने बनाया है उधर दिल्ली में, तो मैंने वो नहीं सुना। तो डेवलपमेंट सामने यार, बंगस है, मेडिकल कॉलेज है, वो अस्पताल जो आज बन रहा है उसको दुख है, एक बात का जो पर्सनली मैं जानता हूँ, दुख है कि वहां कुछ शर्ट बने थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर के, उस अस्पताल में शर्ट, वो वहां कुत्ते बैठते थे, सजाद साहब के दौर में सजाद साहब ने बोला इनको, उसने कहा शेख साहब ने बनाया अनागरी इनके, ये क्यों कोई तोड़ेगा, रहने दो उधर ही, आज जमाना बदल गया है, शेख साहब ने बनाया, शर्ट थे, कुत्ते बैठते थे, उधर एक बिल्डिंग बन गई जो बिल्डिंग आज दुनिया देखती है उसकी तरफ, हंडवाड़ा में पहली बार
शर्मिंदा है वो, इसीलिए ये कह रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट किया, सारा हमारा ही है, सब कुछ हमारा है, किसी और का नहीं। और 2.5 साल को कंपेयर करते हैं अपने 20 साल के साथ, कैसा ये इंसाफ हो सकता है। दूसरा, उमर साहब ने जो कहा उसने खुद भी मेरे ख्याल में लम्हे फिक्रिया उसके लिए भी, उसकी पार्टी के लिए भी है। डिस्ट्रिक्ट का कन्वेंशन था, पूरे लोगों को गाड़ियां मुहैया की थी, सोनू एंगेज किए थे, हर एरिया से हर कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज ने नेट पर बोला था टूरिज्म चलो, 600-700 वर्कर थे, आप ही खुद मीडिया वाले बता दीजिए। लेकिन उन्होंने बार बार इसमें जिक्र किया कि ये सिर्फ कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी का कन्वेंशन है। कुपवाड़ा तो कर ही नहीं सकते हैं वो, क्योंकि उधर गुंजाइश ही नहीं है। फिर नेट पर क्यों आ गया, सफला मीर साहब के भी लोग थे, उस साइड के भी थे, लंगेट से थे, हंडवारा से थे, चौधरी साहब खुद कर रहा था हंडवारा में कंपनी, जलसा है, उमर साहब को आना है, 800 बंदे। हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट कल बुलाएगा डाक बोले में, आज मैं बोलूंगा ब्लॉक मीटिंग 800 नहीं 1000-2000। हमने यहाँ ये अपने इस रुस्तम साहब ने ज्वाइन किया, उससे तो डबल हमारी थी, वो ज्वाइन ही थी। उनको अंदाजा होना चाहिए कि लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है, अब लोग ये झूठ पर यकीन नहीं रखते हैं, लोग देख रहे हैं कौन क्या करता है। रुस्तम साहब से मुझे याद आ गया कि उन्होंने आपको ज्वाइन कर लिया, हाल ही में जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हुए थे आदमी ने ज्वाइन कर लिया। लेकिन श्रीनगर के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने ऐलान कर दिया कि कौन लड़ रहे हैं। बारामूला जो सीट है उस पे अक्सर जैसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस कह रही है, और जो हमने देखा भी है वोट रेशियो इनका ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐलान नहीं हुआ कि पार्लियामेंट कौन लड़ेंगे। ये वक्त वक्त की बात होती है, ये इट इज द टाइम फैक्टर, जिस सूट करता है पॉलिटिकल पार्टी को, ये टाइम मौजूद है फलानी जगह कैंडिडेट को डिक्लेयर करने का, तो ये इट इज द बेबी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, उसको कौन सा टाइम सूट करेगा यहाँ कैंडिडेट डिक्लेयर करने का। जो ही हम इस टाइम सूट करेगा कैंडिडेट डिक्लेयर का हम तो करेंगे, और उनको पता है आज नॉर्थ कश्मीर में सिचुएशन ही डिफरेंट, ये तो नाजुक है और हमारे लिए आम कंपटीशन। आप लोग वेट तो नहीं कर रहे हैं कि एमसी किसको कर रही है खड़े, तो उसके हिसाब से कर रही है। उसकी हमें कोई परेशानी नहीं, एमसी जिसको भी लाए, क्यों ना फारूक साहब को लाए, उमर साहब को लाए, बस ये टॉप है उनके लाए, हमें उसकी कोई परेशानी। आपने खुद भी देखा वो एक कसम की कंपनी फिर तंग डाल गया, 100-200 आदमी थे जहां 18 साल उनका अमल हो रहा है, आपने देखा ना, आपने खुद भी देखा होगा। यार आप भी कोई इंसाफ करो, आप भी बोलो ना, मुंह खोल कर बोलो, देखो खुद भी कि कौन थे, कितने थे, क्या थे वहां, लोगों का क्या रुझान था उमर साहब की तरफ, यही तो हो गया ना नॉर्थ कश्मीर। बड़ी अजीब बात मैंने एक देखी अभी सियासत में, हालांकि पहले इतना ओपन नहीं होता था, मीर मोहम्मद फयाज और जो नासिर असलम वानी है, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ खुल के बोला अभी जब ये थे। मैं इसको एक कॉन्टेक्स्ट में आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि एज अ पॉलिटिशियन एंड एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, क्योंकि आप एक वकील है, आप सियासत और हर एक सियासतदान के साथ रहे हैं पहले, अभी आप सियासत में बाद में आ गए, तो आपको क्या लग रहा है कि ये शोभा देता है कि इतना एक्सट्रीम पे जाना, मतलब से एग्जाम्पल हमने ऊपरी लेवल पे भी देखा, हमने उस दिन देखा सजाद साहब और उमर साहब भी एक दूसरे के खिलाफ खुल के बोले, और फयाज साहब और नासिर असलमानी साहब एक दूसरे के खिलाफ खुल के बोले। हमने कभी भी, हमें एहतराम है हर किसी का, ये पॉलिटिकल लड़ाई होती है, आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है, ये कोई पर्सनल नहीं होता। हमने नहीं कहा तब तक जब तक मैं उमर साहब ने हंडवारा में आकर हमारे खिलाफ बोला। आज लगता था थोड़ा सुलझा हुआ है, जब उसने जवाब सुना सजाद साहब से हमसे, तो आज थोड़ी जबान बदल गई थी। आज वो पीएचडी पर उंगली उठा रहा था, पीएचडी खत्म, हमारे दोस्त थे 19 में हमने दोस्ती शुरू की, ये हम ही बेवकूफ बना रहे थे, हम ही कह रहे थे कि उन्होंने पीएचडी छोड़ दी, तो वो उस पीएचडी में पीडीपी भी थी, तो उसके बारे में उन्होंने कल जिक्र किया इंडायरेक्टली, आपने भी देखा होगा, उसने कल जिक्र की ये इस बात की कि हमारे दोस्त 19 से बन गए थे, तो वो दोस्त भी उनके लीडर ने तो खुल के ही कहा स्टेट के खिलाफ, और पीडीपी वहां से बोल रही है, पीएचडी का उन्होंने खत्म ही कर दिया वो ड्रामा था, ये हमें कुर्बानी का बकरा बना रहे थे, वक्त पर हमने अच्छा फैसला ले लिया, हमने अपने आप को वहां से निकाला, हमें मालूम था, क्योंकि मुझे जाती तौर पर इल्म है, जब पीएचडी में हम कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, अल्लाह पाक की कसम, जैसे मर्दे पर मैं कुत्ते का नाम नहीं लूंगा, जानवर झपट पड़ते हैं ना, वैसे ही सीटों पर लड़ाई करते थे आप पीडीपी और एनसी। मुझे वही पर मैंने सजाद साहब को कन्वे किया था, ये पीएचडी कभी नहीं चलेगा, दो बार इस्तीफा देने निकली थी महबूबा जी,
वो हमारी चीफ मिनिस्टर रही है, मुझे उसका भी एहतराम, और क्योंकि उसको कोई सीट नहीं मिल रहा। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने मुझे कहा कि हम क्यों दिखे, मैं भी कर रहा था, नहीं उनको भी हाथ बंद एज ए न्यूट्रल पर्सन। उन्होंने कहा नहीं, इनके जो लोग थे वो सब आ गए, हम किसको देंगे मैंडेट। उधर इतनी लड़ाई चल रही थी अंदर, वो मंजर यहाँ पर आ गई है, वो पीएचडी भी खत्म। बाकी जो ये नासिर असलमानी साहब और फयाज साहब एक दूसरे पर करे, फयाज साहब ने वैसे यहाँ से नहीं किया, नासिर साहब ने उधर से किया, उसमें फयाज साहब का भी कोई कसूर है, वो टिकता कहीं एक ही जगह टिकता तो उसकी इज्जत थी। नहीं, आपको लग रहा है कि वो भी टिके हुए नहीं है पीपल्स कॉन्फ्रेंस में? है, हमारे साथ ही है। अच्छा, हमारे साथ ही, लेकिन यार खुलकर निकला, बहादुर की तरह निकला, ऐसे नहीं है औरतों की तरह पर्दा लगा के निकलना है, ऐसे नहीं जचता है, खुलकर निकले आदमी। हमने कुपवाड़ा को मुतहद करना है, भारत कश्मीर को मुतहद करना है और अपनी कमिटमेंट पर। अच्छा, आज आप बता ही दीजिए सर कि हुआ क्या, क्योंकि मुझे याद है जब वो आए थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने सेम एग्जैक्ट यही वर्ड्स बोले थे कि ये कुपवाड़ा का इस वक्त चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, हम लोग कुपवाड़ा को एक कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। नहीं, फिर बीच में कुछ हो गया ना, तो उन्होंने तो कहा इवन तुम्हें पॉलिटिकल घर में कुछ भी नहीं करूंगा। घर में ही होता है, नाराजगियां होती रहती है, बीच बीच में होती रहती, ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ऊपर से तो फिर इन्होंने ज्वाइन कर लिया, मास्टर साहब ने, मास्टर साहब हमारे तो दरवाजे अपने बंद ही करने हैं ना, ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें जो भी आए वी हैव टू वेलकम। बट मास्टर साहब की ये रुस्तम साहब की जो रिटायर्ड लेक्चरर साहब है, वो तो उसकी अपनी इमेज है, वो तो एक वो ना था, थे नहीं पॉलिटिक्स के साथ, लेकिन पॉलिटिकल सोच है उनका, अच्छा विजन है। अक्सर भी सर माना जाता है कि वो क्लोज रहे हैं महबूबा जी, बिल्कुल, तो उसको हम कहाँ छोड़ते, उसने खाई जाहिर की तो हमने ले लिया अपने साथ। अच्छा चलिए, अब ये सवाल हुई, इतने खुल के आज हम बात कर रहे हैं, मैं उसका वेलकम फयाज साहब को भी करना चाहिए। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब जब वो इतनी खुल के बात कर ही रहे हैं तो क्या हो सकता है कि से एग्जांपल अगर सजाद लोन साहब बारामूला पार्लियामेंट नहीं लड़ते हैं तो क्या ये हो सकता है नेगोशिएशन जो नाराज गया है वो फयाज साहब को इस तरह से दूर हो सकते हैं कि आप आइए और पार्लियामेंट लड़िए? यार ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन पार्टी को डिसीजन लेना है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ इस वक्त, मैं प्रीमेच्योर है, क्योंकि अभी मैंने अभी आपको बोला कि हम वक्त पर फैसला करेंगे कौन पार्लियामेंट। जब आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये तो अक्सर बेशतर बात ये बोली जाती है कि सजाद साहब के प्रीमेच्योर होगा, हमारी मेरी तरफ से कहना कोई बात प्रीमेच्योर होगी। नहीं, मैं जनरली सिर्फ इसलिए जानना चाहता हूँ आपसे क्योंकि अक्सर ये बात बोली जाती है कि जैसे एनसी में बोली जाती है कि उमर साहब की एक ही सलाहकार है, हालांकि बहुत सारे लोग, लेकिन एक ही सलाहकार है वो है नासिर असलमानी, जो अक्सर बेहतर बोला जाता है। इसी तरह से बोला जाता है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस में सजाद साहब के जो एक ही सलाहकार है जो खुल के सलाह देते हैं मानते हैं, वो अरुगर बशीदार साहब। नहीं, ये सियासी लोग, उमर साहब भी नासिर साहब का नहीं सुनता होगा सारा, खुद ही फैसला लेता होगा। इसी तरह से सजाद साहब भी एक पार्टी का चेयरमैन है, फैसला उसकी, उसका भी दिमाग है, फैसला वो खुद लेगा। हम सजेशन देते हैं, बीच बीच में सजेशन देते हैं, सारे देते हैं, मैं एक वाहिद बंदा नहीं हूँ बस, मैं कुपवाड़ा, अगर अब तो लोग उधर से भी है, अब तो बारामूला से है, अब तो धानीपोरा से है, अब तो सोपोर से है लोग जो मशवरा दे रहे हैं पार्टी को आगे चलाने में। मेरा ही नहीं था पहले, तो हम दो थे, हम एक दूसरे से ही मशवरा कर, और कौन था, अब तो बहुत सारे लोग हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर पार्लियामेंट की सीट ऐसे करनी है कि हमारे इज्जत का सवाल है कश्मीर के लोगों, भारत कश्मीर एक ऑप्शन बन रहा है पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उस ऑप्शन को अवेल करने के लिए, उसको पाने के लिए हमें भी बड़ी हिकमत अमली से काम करना पड़ेगा और बड़े मेहनत से करना पड़ेगा, क्योंकि रुझान हमारी तरफ है। एक जो इन बिटवीन जो जलसे हुए ना, इसमें बहुत सारी बातें खुल गई जो हमने पहले भी जिक्र किया। एक बात ये भी खुली कि हंदवाड़ा में ये भी कहा गया कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ रहे थे, और हाल ही में सजाद लोन साहब ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े लीडर थे जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आ रहे थे। दो कॉन्टेक्स्ट से, एक जो आइडियोलॉजिकल बात आपने पहले करी थी, हम देख रहे थे कि मीर मोहम्मद फैसल पीडीपी में थे, निकल के पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आ गए, फ्रॉम द पार्ट, और वही जो साथ में वो बातें चल रही थी कि वो निकल के आ रहे थे। देखिए, मैं एक बात बताऊंगा, ये हो सकता है मेरे बारे में उसने कहा, मैं अपनी तरफ ले रहा हूँ, उन्होंने लेकिन इट वॉज attributed to me, मैं मिला होगा सियासतदान को, क्या है सियासतदान, किसी भी सियासतदान को मिल सकता है उसका सोच शेयर कर। मुझे पसंद नहीं आया अपने लीडर से, जो मेरा लीडर था, मुझे पसंद नहीं आया,
ये अपनी पसंद नापसंद का मामला है। मुझे उमर साहब पसंद नहीं आए, मैंने कहा नहीं, अगर मुझे अपने घर में थोड़ा सा ये है, नाराजगी भी है कहीं, लेकिन फिर भी मैं, मेरा लीडर है, मुझे वो पसंद नहीं है। इट वॉज माई ऑप्शन, आई डिड नॉट अवेल दैट कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो सजाद साहब के पास आए हैं, जो यहीं के लोकल हैं, वो पसंद नहीं आया तो मुझे वो नहीं आया पसंद, तो अपने अपने खेमे में सब लोग बैठे हैं, इसमें क्या है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगा, ओपन होती है, कोई किसी से बात कर सकता है, इसमें क्या। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगा इसी के रिलेटेड, वो प्योरली सियासत की हम देंगे। आप कहां पे देख रहे हैं इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस को? बारामूला में, क्योंकि मैं जो जाती तौर पे मैं आपको बता रहा हूं तजुर्बे के हवाले से, अक्सर जिस तरह हम देख रहे थे लंगीत और करना जो है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का डाउन होता था, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि लंगीत और करना जो है वहां पे जीत हार अलग बात है, लेकिन बिल्कुल वो टक्कर में है ही। आप इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस को एज अ बारामूला, पिछली बार जो है थर्ड टाइम जब इलेक्शन लड़ा पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने तो 1 लाख वोट ले लिया, हाउ डू सी इट राइट नाउ? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसी तरह से मजबूत है, सीरी भी बिल्कुल डाउन है इस वक्त नॉर्थ में, तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को कहां पे देखते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हाल है वो आपने देखा, मजबूत वो किस हद तक है वो आपने कल ही देखा, हमारा में भी देखा, इधर भी देखा, करना में भी देखा, यही तो कुपवाड़ा है और क्या है, कुपवाड़ा में ही वोट पड़ते हैं। हम तो अभी तक पिछले इलेक्शन पार्लियामेंट के इलेक्शन तक हमारी पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी नॉर्थ कश्मीर में, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के साथ और लोग जुड़ गए, तब हमारे साथ फारूक साहब नहीं थे, हाजी फारूक, फयाज साहब नहीं थे, मुस्लिम साहब नहीं थे, कनीजा जी नहीं थी, लंगेट में हमने कम वोट लिए थे तब भी हम नंबर वन पार्टी आई थी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, बाद में वो शाह फैसल साहब ने भी कुछ वोट लिए थे, रशीद साहब ने भी कुछ वोट लिए थे, तो वो भी एक पार्टी बनी थी, उसमें गुलाम हसन मीर था, गुलाम हसन मीर साहब थे, रशीद इंजीनियर थे और शाह फैसल साहब नहीं है इस वक्त फील्ड में, गुलाम हसन मीर साहब दूसरी पार्टी के साथ है, रशीद साहब अभी जेल में, पता नहीं इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ठीक है कम मटवर, जिसको लड़ना है जमहूरियत है तो मोस्ट वेलकम, जो भी लड़ेगा हमें उसमें कोई कमाट नहीं है, हमसे ज्यादा लिए थे वो, ये जंग है, हमसे भी ज्यादा लिए थे, हम उससे ज्यादा लिए, हाँ, मतलब बिल्कुल कम डिफरेंस था, मतलब हम बांडीपोरा में भी बड़े हैं हमारे वोट, सोनावारी में भी बड़े हैं, लंगेट में मोस्टली बड़े, लंगेट में मोस्टली, करना में बड़े हैं, तो मुझे बताइए आप कुपवाड़ा ही डिसाइड करेगा, 20-24 हजार वोट का फर्क रहा पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो 24 तो हमने यही बढ़ा दिए, बाकी छोड़ के बांडीपोरा साइड के, ईडी साइड के, बारामूला के, सोपोर के, तो अब हम भी मेहनत करेंगे, हम भी इसमें मेहनत, अभी मेहनत अभी काफी टाइम है, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पहले नंबर पर आएगी पीपल्स का। अच्छा, मैं फिर से सर उसी पे आऊंगा, अगर से एग्जांपल, क्योंकि पहले हमेशा ये होता है कि पार्टी के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो बड़े होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है कि आप अगर लड़ना चाहें तो लड़ लीजिए, अगर माइनस सजाद साहब है तो अगर आपको ये अवेल ऑप्शन करने को कहा जाए कि आप लड़ लीजिए तो आप लड़ लेंगे? हमारे साथ बहुत, हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उसके बगैर भी अगर सजाद साहब नहीं हुए हमारे कैंडिडेट तो हमारे साथ सब एक से बढ़कर एक है, मैं ही कहूँ एक से बढ़कर, मगर कुपवाड़ा में ही है दो तीन, ये सोनावारी से है, बांडीपोरा से है, यार नहीं, आपको नहीं लग रहा है कि जो बारामूला जो 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 आप कुपवाड़ा से बाहर किसी को बताएंगे फिर कितनी मुश्किल होगी? बोर्ड बना है तुम्हारी पार्टी में, अब कॉन्स्टिट्यूशन एक बोर्ड बना, वो बैठेगा, वो डिसाइड करेंगे, लेकिन ये नहीं कि इसमें कोई पीछे लगा है कि मुझे ही दे दो मुझे दे, वो नहीं, पार्टी डिसाइड करेगी, उसमें सजाद साहब को भी अगर हमें लगा कि आगे लाने के लाना है तो उसी को लाएंगे, इसमें क्या। अगर असेंबली इलेक्शंस होते हैं और जो नहीं होंगे सेम केस, क्योंकि जिस तरह से लग रहा है कि पार्लियामेंट के बाद तो करनी मजबूरी है, या तो बिल्कुल ही खत्म करनी है या तो करनी मजबूरी है, तो अगर वो हो जाता है, लेकिन अक्सर जो ये सवाल है ना कि पिछली बार, क्योंकि वंस एंड फॉर ऑल वाला वो होना चाहिए, कि पिछली बार हमने देखा कि बीजेपी के साथ अलायंस करना पड़ा, पीडीपी को भी करना पड़ा, आपको भी बनना पड़ा, आप लोगों को तो पीपल अलायंस था, बाद में पीडीपी और बीजेपी ने भी अलायंस कर लिया, किसकी
अगर असेंबली इलेक्शंस होते हैं जिस तरह से पिछली बार जब हुआ था, आपका प्रीपोल अलायंस था, पीडीपी ने उनके साथ पोस्ट पोल अलायंस कर लिया। एजी मीरानी साहब की मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था और बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसमें यह था कि खसीब द्राबू साहब ने पहले लिखा जो इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, फिर हसीब द्राबू साहब ने भी बीजेपी के साथ जो एजेंडा ऑफ अलायंस था वो भी लिखा और दोनों ये ठीक। अगर इस वक्त वैसे कोई मजबूरी बन जाती है कभी कि तीन पार्टीज को मिलना पड़ेगा, तो एज ए पीपल्स कॉन्फ्रेंस कम है, हमें कोई मजबूरी नहीं है किससे मिलने की। ओके हमें नहीं लगता है कि हमें कोई मजबूरी है। मजबूरी तब होती है जब इंसान को ये लगता है कि मैं अकेले तन तनहा नहीं जीत सकता, तब तो मजबूरियां बन सकती है। लेकिन हमें कोई मजबूरी नहीं है, हमें हम तो अपने बल पर अपने अपने पाँव पर खड़ा होकर इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। हमें किसी के साथ मजबूरी नहीं है, अलायंस वलायंस कुछ नहीं, कोई अलायंस किसी के साथ जो अब तक का ये हमारी पार्टी का मौकफ है मंशूर है कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। विल फाइट ऑन आवर ओन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नाम पर लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम आए हैं आज तक लड़े, हमने कब पहले किसी के साथ अलायंस की। हमारी जमानत सबसे पहले जब्त हुई थी जब सजा साहब पहले पार्टी बनाते तो हमारी भी हमने भी कुछ काम दुख नहीं खाए। तो अब पार्टी बढ़ गई है यार, इस वक्त हम क्यों करेंगे किसी के साथ, हमें कोई मजबूरी नहीं किसी के साथ अलायंस करें। बिस्तर को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच।